बाहर आई हुई हूँ और मौसम इतना प्यारा हो रहा है बाहर। अंदर इतनी सारी गर्मी थी ना, लेकिन बाहर तो सुकून मिल रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। शाम का टाइम है, क्या कर रहे है? रॉक्सी अंदर से देख रही है, उसको बाहर छोड़ा है ना मैंने, तो वो देख रही है। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है और आज इधर बच्चे खेलने नहीं आए, रोज़ बच्चे आते हैं, आज बच्चे नहीं आए बाहर खेलने, मेरे नहीं, बाहर और भी बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलने, तो वो नहीं आए सारे। तो अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। जल्दी पी ले बेटा दूध। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं नाइट में स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा नाइट का सारा काम हो चुका है और मैं एक्स्ट्रा काम अपने कर रही हूँ। तो अभी मैं घी बना रही थी, तो घी बनाने के साथ साथ मेरे को क्लीनिंग करनी, ये साफ करना है आज मेरे को। ये देखो इसकी क्या हालत हो गई है। एक्चुअली इसमें ना मैं रूटीन वाली चीज़ें रखती हूँ जो मेरे फटाफट काम में आने वाली हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड है। इसको क्लीन कर लेते हैं हम। सारा काम खत्म होने के बाद अभी घी भी बना रही हूँ मैं साथ के साथ, ये क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दिया मैंने, तो सारा नाइट का तो सारा ऑलमोस्ट काम मैं डन कर चुकी हूँ। तो क्लीनिंग यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले जो चीज़ें मेरी इधर उधर थी उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। ये मेरी प्याज की बास्केट है, इसमें मैं प्याज खाली कर रही हूँ और फिर इसको क्लीन करना शुरू करूँगा। टिकटॉक को पीछे कुछ बदमाशी कर रहा है, मैंने अभी वीडियो में ही देखा था। तो ये बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, सबसे पहले मैं इनको खाली कर लूँगी। सब्जी आई थी कुछ तो वो पॉलीथीन बैग्स हैं, कुछ सामान आया था ग्रॉसरी का उसके भी हैं। तो ये सारे पॉलीथीन बैग मैं फेंकती नहीं हूँ, मुझे डस्टबिन में लगाने के काम आ जाते हैं, जो मेरे वॉशरूम में डस्टबिन है या इधर छोटे मोटे पड़े हुए हैं उनमें, या फिर गीला कचरा होता है उसको फेंकने के लिए भी पॉलीथीन्स की नीड होती है। ये सारे पॉलीथीन्स मैं एक डब्बे में पैक करके रख लूँगी। इसके बाद मेरा जो नाइफ़ वाला होल्डर है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें ना मैंने ये एक प्लास्टिक का ग्लास है मेरा कप्पा नूडल्स का, ये मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जो मेरे नाइफ़ है ना वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं इससे, और काफ़ी सारे नाइफ़ हैं तो इसकी वजह से मैंने इसमें ये ग्लास डाला हुआ है। तो ये सारे नाइफ़ मैं वॉश करके इसमें रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ इसको डिसइंफेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ना ये मेरे सिंक के साथ में आता है, तो सिंक के पास होने की वजह से यहाँ पे साबुन के छींटे या गंदे छींटे आ ही जाते हैं, मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो आ ही जाते हैं। तो बस वही सारे मुझे घिस घिस के साफ़ करने पड़ते हैं। घिस के भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो है। और इसमें ना मैं ये मैट बिछा के रखती हूँ नीचे की तरफ प्लेसमेंट की तरह, तो ये भी मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लूँगी, और क्योंकि ये रफली बहुत यूज़ होती है तो थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरी तो ये बिल्कुल क्लीन रहती है, नहीं, ये थोड़ा मैं रफली यूज़ करती हूँ तो ये मेरी थोड़ी ज़्यादा गंदी हो ही जाती है। गंदी मीनिंग मैसी टाइप की हो जाती है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी में जो भी सामान होता है वो सारा मैं इसमें ही भर देती हूँ। तो ये फर्स्ट करने का, तब मैं सबसे ऊपर वाली कर रही हूँ और इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके ये नीचे वाली भी साफ़ कर लूँगी। मेरा रूटीन में यही शेड्यूल रहता है कि मैं दिन में एक ना एक चीज़ मैं डेली डीप क्लीन करती हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की है कि हर दिन मैं कोई ना कोई एक चीज़ डीप क्लीन करती हूँ। तो आज दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला था, कुछ टाइम भी बोल सकते हैं और कुछ ये होता है ना कि गर्मी बहुत है। सच बताऊँ तो गर्मी में ना कुछ करने का मन भी नहीं करता है बाहर निकल के, और किचन जैसी जगह में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी भी मेरा वॉइस ओवर करने का रीज़न यही है कि मैंने किचन का फ़ैन चलाया हुआ था, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो फिर आपको वॉइस अच्छे से नहीं आ पाती। तो इस वजह से मैंने पूरी ये वीडियो जो क्लीनिंग वाली है वॉइस ओवर में ही की है, सॉरी, इस चीज़ को आप माइंड मत करना। और इसको दिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें ना मैं बहुत सारे काम की चीज़ें रख लेती हूँ अपना। तो डीप क्लीन तो इसका तो रहता ही है कि मैं इसको वीकली डीप क्लीन करती हूँ, रोज़ नहीं कर पाती हूँ, रोज़ कर भी नहीं पाती। एक्चुअली आप कितनी भी सफाई करो घर में गंदगी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मैं ये नहीं कहती नहीं मैं बहुत रिछाई क्लास हूँ तो मेरा घर गंदा नहीं होता या मेरे घर में नौकर लगे हुए हैं, नहीं, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ और मैं 100% ट्राई करती हूँ कि मेरा घर वेल मेंटेन रहे, और रहता भी है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं रहता है, लेकिन हाँ फिर भी गंदा भी हो ही जाता है।
तो और वो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास सभी फैमिलीज में होता है कि थोड़ा बहुत गंदा तो सबका घर हो ही जाता है। और ये आपको जो दरवाजे में कपड़े दिख रहे हैं ना, दरवाज़ा नहीं, जो मेरी बास्केट वाला ये साइड में दरवाज़ा दिख रहा है इसमें कपड़े, तो ये एक तो मेरा एप्रन है, एक मैंने किचन टॉवल यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और साथ में एक मेरा जो किचन काउंटर है उसको क्लीन करने के लिए टॉवल है छोटा सा, वो रखा हुआ है, वो वॉश करके मैंने टांगे हुए हैं ये दोनों, और एप्रन मेरा यहीं पे हैंग होता है ज़्यादातर तो, और किचन टॉवल भी मेरा यहीं होता है जो हैंड टॉवल है, और वो मैंने वॉश करके रखा हुआ है, तो कभी आपको लगे कि ये गंदा है। और इधर मैंने ना छिलके रखे हुए थे स्लैब पे, ये छिलके सारे मैं गाय को दे दूँगी सुबह जब गाय आएगी, तो वो अभी मैंने रात में नहीं फेंके हैं। और अभी ना यहाँ पे मैं सिंक के पास खड़ी हुई थी, और यहाँ मैं जितनी भी मेरे को वॉश करने वाली चीज़ थी वो सारी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि छोटी 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 इतनी सारी चीज़ें होती तो कैमरा मैं सेट नहीं कर पाई, सॉरी ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ मैं शूट भी कर रही हूँ, तो बस वो स्किप हो गया। और अभी देखो मेरा घी भी बन गया है, तो इसको भी मैं करने लगी हूँ। अभी मैं लोनी निकाल लूँगी, और ये जो अभी मेरे ये लस्सी बचेगी, लस्सी नहीं सॉरी मलाई का जो पानी बचेगा, इसमें मैं अभी जामुन लगा के, कोई लोग जामुन बोलते हैं, कोई खट्टा बोलते हैं, कोई बिछन बोलते हैं, तो वो लगा के इसको मैं अभी जमा दूँगी, लेकिन घी मैं सुबह बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है, मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास का टाइम होगा अब, तो घी तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ये मैं लोनी उठा के रख दूंगी, और दही लेकिन मैं अभी जमा दूंगी, क्योंकि कल दिन में मेरे को कढ़ी बनानी है, फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं थी कि मैं इतना बड़ा बर्तन रख दूं। और रॉक्सी को भी मैं ये वाला नहीं दूंगी ऐसे ही पीने के लिए, क्योंकि रॉक्सी को ना एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ मैं रॉक्सी को भी पिला देती हूँ इसको, बट अभी रॉक्सी को नहीं दूंगी, तो मैं इसकी दही ही जमाऊंगी, तो इसको तो मैं भी उठा के रख दूँगी, और ये किचन में अब क्लीन करूँगी सारा। और ये पीछे जो आपको बॉटल्स दिख रही हैं ना, ये रात को सारी मुझे वॉश करके रखनी होती है ना, क्योंकि अगले दिन फिर काम करने हैं बहुत सारे, तो इसलिए लग रहा है। और ये मटका देखिए, पीछे मैंने मटका रखा हुआ है अपना पानी का। और मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊँगी कि आप मतलब हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, तो मैं तो सभी को सजेस्ट करूँगी कि नहीं, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, मटके को ही प्रेफर करें। और मटके में पता है मैं एक चीज़ करती हूँ कि मटके में मैं एक चांदी का सिक्का डाल देती हूँ, जब मटका नया लेते हैं हम लोग तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल देते हैं वॉश करके, और मैं उसको उसमें ही पड़ा रहने देती हूँ, बस जब मटका खाली करती हूँ तब उसको निकालती हूँ, वॉश करती हूँ और वापस मैं उसको उसमें डाल देती हूँ, तो इससे पानी ठंडा रहता है और सिल्वर के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। फाइनली अब ऐसा लुक हो गया है इसका, बट ये ना कल परसों फिर ऐसी हो जानी है। सबसे नीचे मैंने सारी बास्केट रखी हैं, वो कुछ मैंने बैग्स रखे हुए हैं, ये जब वेजिटेबल्स आती है तो वॉश करके रखने के लिए, ये मैंने सिंक की नेट रखी हुई है, उसके बाद ये डिसइंफेक्टेड हैं, DIYs हैं ये है, और इस कप में ना मैंने एक DIY बनाया हुआ है जिसकी वजह से मेरे किचन में कीड़े नहीं आते हैं काले वाले, तो वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे सारे नाइफ हैं, ये बहुत प्यारा सा होल्डर है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा होल्डर है, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है ना कि नाइफ ना इसमें से निकल जाते हैं इसके अंदर से, तो मैंने ना इसके अंदर ये प्लास्टिक था मेरे पास, एक कप्पा नूडल्स का ग्लास था वो डाल दिया है, वो सारे मैंने पॉलीथीन बैग्स इसमें डाल दिए हैं। देन ये बास्केट रखी हुई है मैंने छोटी सी, इसमें जैसे मेरे कान्हा का भोग लगाती हूँ, वो फ्रूट होता है या कोई फ्रूट ऐसा होता है जो ख़राब होने वाला है उसको पहले खाना है, वो मैं इसमें रख देती हूँ, और यहाँ पर जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये जगह मैंने खाली रखी हुई है। तो फाइनली कुछ ऐसा लुक है अब इसका, और ये चली जाती है मेरी फ्रिज के पीछे। ये ना पीछे मैंने एक शीट लगाई हुई है इसके, क्योंकि क्या होता था ना, मैंने ये फ्रिज नया ही लिया है अभी, और ये आप देख सकते हैं जैसे इसको पुश करते हैं ना तो कभी ना कभी ये टच हो ही जाता है, और मेरे फ्रिज में ना इसने ये स्क्रैचेस डाल दिए थे, और ये नीचे की तरफ भी हैं एक दो स्क्रैचेस, तो इसके लिए मैंने इसके पीछे ना ये शीट लगा दी थी, तो ये टेप पुरानी हो गई, अभी हटाने वाली हो रही है, आज तो मैंने नहीं हटाई है, इसको मैं कल हटाऊँगी, तो वैसे मैंने क्लीन कर दिया पूरी, लेकिन ये शीट की ये टेप है ये मुझे बदलनी है, क्योंकि ये लूज़ भी हो गई है थोड़ी, ये हटानी है ही, ये हटा के फिर मैं दोबारा लगाऊंगी, टेप थी नहीं अभी, अदरवाइज़ मैं इसको अभी कर देती। यहाँ पे मैं मेहंदी घोल रही थी बालों में लगाने के लिए, काफ़ी ग्रे हेयर्स हो गए हैं, तो ये भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, फ़िलहाल तो मैं बस घोल रही थी और शूट मुझे भी याद नहीं कब मैंने कर लिया।
रात का बज रहा है 1:15 और अभी तक मैं काम में लगी हुई थी। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, अभी नहा लूँ, नहा के फिर बस मैं सोऊंगी। सब सो चुके हैं, मैं ही अकेली जाग रही हूँ पागलों की तरह। एक्चुअली मुझे रहता है ना, अभी जैसे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे लेट सोने की आदत है, तो मैं सुबह का वेट नहीं करती हूँ कि नहीं मैं सुबह करूँगी। मैं अगर अभी जैसे बच्चे सो रहे हैं, शांति है, तो बस मैं अपने कामों में लग गई और मैंने काफ़ी हद तक अपने काम खत्म कर लिए। और मेरा रक्ष मेरे साथ है, मेरा बेटा, आके आके आके, ये देखो ये देखो, ये बेचारी सारा दिन मेरे साथ काम करती है, ये मुझे नहीं छोड़ती। और मिलो बेटा, तो चलिए फिर मिल, हाँ सुनो, अच्छा सुनो सुनो, रुको तो बेटा रुको, तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी बिफ़ोर और आफ्टर लुक। देखिए पहले ऐसी थी मेरी ये ट्रॉली, एंड नाउ ये है इसका फाइनल लुक। अब ऐसी होगी।